Hello everyone, welcome to my channel once again. So today we are going to talk about active transport. इससे पहले हमने discuss किया है facilitated transport and osmosis और उसके different types discuss किए हैं. So let's start. Active transport, नाम से ही पता चलता है that here ATP is utilized. यहाँ पे ATP utilize करते हैं. दूसरा, movement is against the concentration. Movement will be against the concentration. Against the concentration का क्या मतलब होता है? It is simple movement of particle from lower concentration to higher concentration. Clear? तो यहां दो चीज हमको पता चली. पहला that ATP is utilized. दूसरा कि सिंपल सा लॉजिक है ना ये, जब भी आपको अगेंस्ट जाना है किसी चीज के, आप किसी फैसले के या किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट जाते हैं, फॉर दैट यू नीड एनर्जी. तो यहाँ पे भी आप अगेंस्ट जा रहे हैं. आप ऐसी जगह पे, सपोज देयर आर टू रूम्स हियर, ऑलरेडी 100 पीपल आर देयर एंड यहाँ पे 20 पीपल आर देयर. सो व्हेन यू आर पुशिंग some people into this room, you need energy for this. This is what said active transport. Next is active transport जो करते हैं, those are proteins. Proteins are helping in the active transport क्योंकि वो ATP का utilization कर रहे हैं, इसलिए हम उसको pump बोल सकते हैं and आप इनको carrier proteins भी बोल सकते हो. फाइन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको प्रोटीन्स की जरूरत होती है. अगेन दीज प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स एंड कैन बी सैचुरेटेड, राइट? तो ये तीनों इन चीजों के लिए, इस प्रोटीन्स के लिए भी होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक भी है. इनको अगर सोडियम को लेके जाना है तो सोडियम को लेके जाएंगे. दे आर सेंसिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में दे विल स्टॉप डूइंग द वर्क. एंड सैचुरेटेड की जितने प्रोटीन से उतना ही मूवमेंट हो पाएगा, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगा. अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हम इसको अपहिल मूवमेंट या अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. अपहिल ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, इसको हम अपहिल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. और अपहिल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमेशा एटीपी की जरूरत पड़ती है. इसके बाद एक वर्ड है, दैट इज यूनिपोर्ट. यूनिपोर्ट, यूनि मतलब होता है वन एंड पोर्ट मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर मैं मेम्ब्रेन में, सपोज दिस इज मेम्ब्रेन और यहां पे प्रोटीन है विच इज अ पंप, इफ इट अलाउज ओनली वन मॉलिक्यूल टू एंटर और ओनली वन मॉलिक्यूल टू एग्जिट, उसको हम बोलते हैं यूनिपोर्ट. अकेला वाला कॉन्सेप्ट, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट को हम यूनिपोर्ट कहते हैं. वन मॉलिक्यूल एट अ टाइम ट्रांसपोर्टेड इन और आउट, ठीक है. नेक्स्ट आता है को ट्रांसपोर्टेशन. को ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, को ट्रांसपोर्टेशन में भी आप दो चीजें पढ़ेंगे. वन इज कॉल्ड एंटीपोर्ट एंड इट इज सिंपोर्ट. एंटीपोर्ट के केस में मैं फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूं. ओके, अब हम बात करते हैं कोपोर्ट मतलब टुगेदर, ठीक है. यू आर हैविंग अ पार्टनर और अ कंपनी. सो एंटी मतलब होता है ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब अगर एक चीज अंदर आ रही है तो उसके बदले हमें दूसरी चीज को बाहर भेजना पड़ेगा. एंटी, एंटी मींस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो व्हेन यू आर
taking up something inside the cell, you have to send some other substance out of the cell. इसका best example आप पढ़ेंगे, that is sodium potassium, right? Sodium बाहर जाएगा तो बदले में potassium अंदर आएगा, that is antipode. Sympode का मतलब होता है, sim मतलब in same direction, when there is a movement together in same direction, या फिर वो दोनों साथ में सेल के अंदर आ रहे हैं या दोनों साथ में सेल के बाहर जा रहे हैं, that is called sympode, movement of particle together, right? तो ये हो गया दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन. अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है एक्टिव हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप विच इज डूइंग एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप. तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है इट इज डूइंग एंटीपोर्ट, एंटी ट्रांसपोर्टेशन करता है. सोडियम ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है ना कि जो प्रोटीन है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है, वो तीन सोडियम को बाहर भेजता है, बदले में दो पोटेशियम को अंदर लेता है. एंड दिस थिंग इज हैपनिंग इन द न्यूरल सेल. नर्व सेल्स जो होते हैं, जो एक्सोन मेम्ब्रेन होता है, दैट इज एक्सोनल मेम्ब्रेन. एक्सोनल मेम्ब्रेन में ऐसा होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक्साइटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि डीपोलराइज्ड न्यूरॉन्स हैं, जो एक्शन पोटेंशियल में है, व्हेन दे विल गो बैक टू द रेस्टिंग स्टेट. रेस्टिंग स्टेट में क्या होना चाहिए कि सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, देयर शुड बी पोटेशियम. ये मैं बात कर रही हूं रेस्टिंग स्टेज की, रेस्टिंग पोटेंशियल की, राइट? एंड जो सेल है, सेल इनसाइड इट विल हैव पोटेशियम, एंड दूसरा आउटसाइड इट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम. अंदर की तरफ भी सोडियम है बट वो बहुत कम है, पोटेशियम ज्यादा है, और बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जैसे ही सेल ने एक्शन पोटेंशियल किया, एक्शन पोटेंशियल मतलब जब वो एक्टिव हो गया, ड्यूरिंग दैट टाइम सेल के अंदर, इनसाइड द सेल वी आर हैविंग सोडियम एंड आउटसाइड जो है वो है पोटेशियम आयन. सो वी हैव टू नॉर्मलाइज, हमें वापस से इनिशियल फेज में मेम्ब्रेन को लेके आना है फॉर अनदर एक्शन पोटेंशियल. तो इसीलिए ये जो पंप होता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है तीन सोडियम को बाहर एंड दो पोटेशियम को अंदर. तो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन पे पंप प्रेजेंट होता है. दूसरा एक पंप है, ये हो गया फर्स्ट. दूसरा सिर्फ सोडियम पंप. सोडियम पंप जो होता है दैट इज इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब आपने पढ़ा ही होगा, इस तरीके से साइनेप्टिक नॉब होता है, और साइनेप्टिक नॉब जो है वो दूसरे नर्व के डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा या किसी मसल से कनेक्टेड होगा. सो वहां पे जो पंप होगा दैट इज द सोडियम पंप. नेक्स्ट टाइप यू मस्ट हैव रेड अबाउट इज पोटेशियम पंप. पोटेशियम पंप जो होता है, आप जो ये पोटेशियम पंप है, आप इसको देख सकते हैं गार्ड सेल्स में, आपको मसल सेल्स के मेम्ब्रेन पे मिलेगा ये, एंड ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन पे भी मिल सकता है, राइट? तो यहां पे आपको पोटेशियम पंप देखने को मिलता है. फिर आते हैं कैल्शियम पंप के बारे में बात करते हैं. कैल्शियम पंप जो होगा, यू हैव रेड अबाउट दिस इन केस ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम.
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स, तभी तो वो जो मूवमेंट होता है कैल्शियम का साइटोप्लाज्म के अंदर जिसके वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम पंप. एंड सेकेंड इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ पे कैल्शियम पंप होता है जिसके वजह से कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होगा एंड दैट कॉजेज फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स एंड दे विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मैंने आपको पंप के बारे में बताया, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट समझाया और मैंने आपको बताया कि ये जो पंप होते हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच कंटेंट जिसमें हम थोड़े और मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ.